भाजपा नेता छेदीलाल जायसवाल का सुपुत्र MBBS बनकर किया क्षेत्र का नाम रोशन। बता दें, जौनपुर जनपद के रामपुर नगर पंचायत के भाजपा नेता छेदीलाल जायसवाल के सुपुत्र शुभम जायसवाल बनना चाह रहा था इंजीनियर, लेकिन दादा के सपनों को साकार करने के लिए बना चिकित्सक। डॉक्टर शुभम ने बताया कि दादाजी का सपना था कि मैं एक चिकित्सक बनकर सेवा करूं, और मैं उनके सपनों को पूरा किया, जबकि मेरी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन दादा को सपनों को पूरा करने के लिए मैं MBBS की पढ़ाई कर चिकित्सक बना। चिकित्सक बनने का मेरा पूरे परिवार पर श्रेय जाता है। भाजपा नेता छेदीलाल जायसवाल ने बताया कि मैं शुभम से कहा कि बेटा, तुम चिकित्सक बनकर गरीब और समाज की सेवा करो। सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर शुभम जायसवाल। आपका नाम? डॉक्टर शुभम जायसवाल। डॉक्टर शुभम जायसवाल। शुभम जायसवाल, तो डॉक्टर साहब, आप अपनी जर्नी बताएंगे, मैं वहाँ तक का सफ़र, डॉक्टर तक जो आप पहुँचे हैं अभी इतने कम उम्र में, तो वहाँ का आपका सफ़र कैसा रहा डॉक्टरी तक पहुँचने तक? मैं 8 तक सेंट मैरीज में पढ़ा भदोही में, उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि अच्छे स्कूल में पढ़ूँ मैं, तो मैं संगीम बनारस में चला गया पढ़ने। वहाँ मैंने 11th 12th किया, 9th 10th किया। तो जब मैं 11th 12th में था तो वहाँ के टीचर लोग बोलते थे कि मेडिकल लाइन में जाओ, और बचपन से मैं इंजीनियर बनना चाहता था, तो मुझे बचपन में ओपी दुबे सर पढ़ाते थे घर में ट्यूशन, तो बोलते थे कि नहीं, तुम डॉक्टर बनने लायक हो, तुम डॉक्टर बनो। फिर मैं 11th क्लास में गया तो मुझे बायो अच्छा लगता था, तो फिर मैं आगे अपना, मतलब आप पहले बनना नहीं चाहते थे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते? पहले इंजीनियर बनना चाहते। किसकी प्रेरणा से आप डॉक्टर बनो? वो भी सर बोलते थे कि तुम डॉक्टर बनो, तुम ज़्यादा अच्छा रहेगा पढ़ा, क्योंकि वो भी सर पढ़ाते थे मुझे बचपन में, तो बोलते थे कि वहाँ बायो अच्छा, मैं बायो दोनों अच्छा था, लेकिन वो बोलते थे कि तुम, और मेरे दादाजी का भी इच्छा था कि उनके घर में कोई डॉक्टर बने। और किसको श्रेय देना चाहते हैं? हमारे परिवार को श्रेय देना चाहता हूँ, सब सदस्य को, पिताजी को, मम्मी, अंकल, आंटी, और दादाजी को खास कर, क्योंकि उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, और आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है आपके लड़के अभी डॉक्टर बन गए हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बाद? हम जब इनका डॉक्टरी में हुआ तो मैंने इनसे वादा लिया था, बेटा अगर डॉक्टरी लाइन में जा रहे हो तो सेवा भाव से जाओ, ना कि बहुत पैसा कमाने के भाव से। मैं इनसे वादा लिया हूँ, वचन लिया हूँ, अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो मैं आपको पढ़ाने में पीछे नहीं हटूँगा, लेकिन आपको सेवा भाव के लिए डॉक्टर बनना है, मैं इनसे यही वादा लिया हूँ। चलिए, बहुत अच्छी सोच है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही चाहता हूँ संदेश देना कि अच्छे से पढ़ाई करें, और जिस भी फील्ड में जाएं अच्छा करें, खुशी से करें तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, टेंशन में लेकर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद।